बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, एक अजीज ने सवाल किया है सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर से। वो कहते हैं कि मैं एक नेशनलिस्ट सिटीज़न ऑफ जम्मू कश्मीर हूँ और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि काबिज़ मुल्क है, तो क्या हमारे लिए ये पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या यानी जो भी सिस्टम उन्होंने आज़ाद कश्मीर में काम किया हुआ है उसमें नौकरी या मुलाजमत करना हमारे लिए जायज़ है? अगर ऐसा ऐसा करेंगे तो क्या हम पाकिस्तान को मजबूत कर रहे हैं? और ऐसी इस तरह की नौकरी करना, इससे हमारी नेशनलिज्म पर कोई असर तो नहीं आएगा? तो प्लीज़ मुझे मशवरा दें मेरे भाई। पहली बात है कि आप इसकी सोच ऊपर मैं क्या कहूँ, सदके जाऊँ। आप अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, आप पाकिस्तान को काबू समझते हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो जिस खत्ते की आप बात कर रहे हैं, ख्वाह गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो सो कॉल्ड, ये हमारे इलाके हैं। इसी तरीके से लद्दाख, जम्मू और वादी कश्मीर भी हमारे, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों के खत्ते हैं। अगर वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, असल में उनका मकसद ये था साथ कहने का, भी जब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में लोग काम करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनको काम नहीं करना चाहिए, मुलाजमतें गवर्नमेंट की नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि वो इंसान के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। और इसी बुनियाद पर एक आर्मी वाले को लेफ्टिनेंट से एक कमीशन था लिया हुआ, वादी कश्मीर के साहब थे नौजवान, उनको गोली मार दी गई थी कि ये इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है इसलिए उनको गोली मारना जायज़ है। तो वो बेचारा इन्हें पास आउट होने के बाद अपनी कज़न की गालबन शादी पर आया था, तो किसी ने उसको टारगेट करके मार दिया था, चंद साल पहले की बात है। तो उनका इस तनाजर में वो पूछ रहे थे कि अगर वहाँ पर इंसानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करने से दूसरे आदमी को गोली मारी जा सकती है तो फिर यहाँ पर वो क्यों नहीं लागू होता? अब देखें जी, लफज इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत वैसे बड़ा वसी है। अगर आप देखें जो बैंकों का सिस्टम है आज़ाद कश्मीर में हो या उस साइड पर हो, तो ये मतलब जो लेस सवाल आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड है, मैं इसलिए इसी की बात करता हूँ। तो आज़ाद कश्मीर का जो तालीमी निज़ाम है ये भी किसका है? ये पाकिस्तान ने इम्पोज़ किया हुआ है, तैयार भी वो करते हैं, इम्पोज़ भी वही करते हैं। हमारे बच्चे या हमने क्या पढ़ा इसका फैसला हम नहीं करेंगे, हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं ये वो फैसला नहीं करेंगे, हेड टीचर फैसला नहीं करेगा, ये इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबू फैसला करेंगे कि हमारे बच्चों ने क्या पढ़ना है, कौन सी तारीख पढ़नी है। तो फिर क्या उस निज़ाम के तहत जो लोग नौकरी कर रहे हैं उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, तालीमी निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं? क्या ये हमारे नेशनलिज्म के खिलाफ है? एक बात यह आ गई। फिर जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी किसका है? पाकिस्तान ने रखा हुआ है, काम किया हुआ है। दूसरा भी जो जितना भी सिस्टम है, वह पुलिस का सिस्टम है, ये पूरे निज़ाम जो है वो पाकिस्तान का काम किया हुआ है, वो पाकिस्तान के कब्जे को मजबूत करने के लिए है। जो निज़ाम तालीम है ये कोई तालीम याफ्ता लोगों की वर्क फोर्स तैयार करने के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए जहनी गुलाम तैयार करने के लिए है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अगर नौकरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कब्जा पाकिस्तान का है, निज़ाम उनका है, उनके पास फौज है, बहुत बड़ी ताकत है, ज़हनी गुलामों की भी एक बड़ी फौज है जो उनका साथ देगी। जब रायशुमारी होगी तो उसको उस वक्त फैसला वो मुख्तलिफ कर सकते हैं। फिर दूसरी बात इसके साथ ये भी आती है कि आपने ज़ारे भी जो हमारे लोग हैं उन्हें कोई नौकरी तो करनी है, बीवी बच्चों का पेट पालना, अपना पेट पालना है, वो तो इसलिए उनके लिए काम करना लाजमी है। अनलेस उनके पास इतनी सलाहियत हो, उनके पास इतना पैसा हो, वो अपना कारोबार कर सकें, अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकें, तो फिर उनको उनके लिए लाजमी नहीं है कि वो नौकरी करें। लेकिन अगर वहाँ पर यानी आज़ाद कश्मीर में जायज़ है इस तरीके से नौकरी करना, मुलाजमत करना, बैंकिंग सिस्टम की, एजुकेशन की या दूसरे जो तरीके ये निज़ाम है पुलिस का उसमें जाना जायज़ है, तो फिर उस साइड पर आराम क्यों है? उस साइड पर भी जायज़ है। जो लोग इस वजह से मारने की कोशिश करते हैं वो गलत है, ठीक है जी। अगर वही उसूल जो अपनाया जाए जो उस फौजी पर किया गया था, लेफ्टिनेंट को मारा गया था, तो फिर कितने लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की फौज में हैं, उनका क्या किया जाएगा?
वो उसने गलत सवाल है, मैं उसको मैं अलग डील करूंगा। सबसे पहले आजाद कश्मीर को डील करते हैं। मेरे भाई आपकी नेशनलिज्म पर कोई फर्क नहीं आएगा। आप जो अगर बैंक में आपको नौकरी मिलती है बैंक में चले जाएं, स्कूल टीचर की मिलती है उधर चले जाएं, पुलिस की मिलती है उधर चले जाएं, जिस महकमे में भी आप में आपको जॉब मिलती है बाइज जॉब जो है। अब पहली बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर में तो जॉब्स बहुत कम है, सिफारिश के बगैर मिलती भी नहीं है। तो आप बिल्कुल काम करें, मेहनत से काम करें। फिर ये भी याद रखें कि जब हमारा जम्मू कश्मीर आज़ाद होगा तो हमको पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत होगी, हमें ऐसे लोगों की भी ज़रूरत होगी जो बैंकों में काम करने की सलाहियत रखते हों, पुलिस वालों को भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, अच्छे दिमाग में रखने वाले स्कूल उस्तादा की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इस तरह से आप सिर्फ ये नहीं कि यहाँ के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। वैसे हमारे कुछ दोस्त हैं जो शोबाए तालीम से मुंसलिक हैं एक अरसे से, तो वो कहते हैं कि हम तो अपने बच्चों को कहते हैं जी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सिस्टम का हिस्सा है, वो मुझे सिस्टम में रह कर अपनी नौकरी जो है करनी है। और ये और बात है कि उसको कभी किसी जगह बदल देते हैं, कभी किसी जगह बदल देते हैं। तो वो कहता है बच्चों को भी असल में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वो तारीख नहीं है, ये हकाइक नहीं है, जो इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा हूँ वो भी कुछ हो रहेगी। ठीक है जी, तो वो बच्चों को साथ साथ तरबियत भी करता है, नेशनलिज्म के लिए ऐसे भी तरबियत करता है, इसलिए उसकी तब्दीली हो जाती है कभी किसी जगह कभी किसी जगह। तो उनको वो कहता है कि ये जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको पास कराने के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि जो सिस्टम है उसने जो काम किया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर उसके तहत आप पास हो जाएं तो शायद आपको नौकरी मिल जाए। तो आपने वही कुछ करना, जो भी काम करें मेहनत से करें। ज़ात तो खुद मुख्तार कश्मीर में भी हमें काबुल लोगों की जरूरत पड़ेगी, बल्कि बहुत से काबुल और ईमानदार लोगों की जरूरत पड़ेगी। आप जहाँ पर भी जाएं, जहाँ भी नौकरी करें, ईमानदारी से काम करें और उसके मेहनत से काम करें, सलाहियतें हासिल करें, तजर्बा हासिल करें। तो ये तो हर वक्त आपको जरूरत, सिर्फ ये नहीं देखें मैं अगर जिम्मेदार हूँ और आल चलाना जानता हूँ तो आल चलाना भी शायद ये भी ज़रूरी होगा, लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है शायद वो जरूरत ना पड़े। लेकिन खेती बाड़ी का अगर मुझे तजर्बा होगा तो ये भी यानी फार्मिंग में काम आ सकता है मुस्तकबिल में। लेकिन अगर आपके पास दूसरी कोई स्किल्स हैं तो वो आपकी जो गवर्नमेंट होगी उसको मजबूती का यानी बाइस बनेगी। वो आपके पास आला दिमाग है, ख्वाब किसी कंप्यूटिंग की फील्ड में है, पुलिस की फील्ड में है या किसी दूसरी फील्ड में है, तो वो भी आपके सिस्टम को मजबूत करेंगी। इन कंक्लूजन मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब जहाँ भी नौकरी मिलती है आप नौकरी करें, ईमानदारी से काम करें, मेहनत से करें, हलाल रिज़्क खाएं और सिस्टम को यानी जो तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। जो क्या कहते हैं जो निज़ाम है कायम वो तो इस्लामाबाद ने किया हुआ है, जो सिलेबस तैयार होगा वो तो आप नहीं कर सकते, वो तो इस्लामाबाद ने दिया होगा, उसमें कितना झूठ है कितना सच है कितना गलत है वो आप नहीं कह सकते। वैसे तो इसी तरीके से एक के अजीज़ साहब की किताब है मर्डर ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान, तो वो भी देखने की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी जो उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाई है, बल्कि वो तो कहते हैं कि हिस्ट्री पढ़ाई नहीं जाती, हिस्ट्री नाम से कोई सब्जेक्ट नहीं है, उन्होंने मुतारिया पाकिस्तान कर दिया, उसमें कई मजामीन को शामिल कर दिया, ये दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको शामिल कर दिया, और जो पढ़ाया जाता है वो भी इस तरीके से कि वो इस्लामी नुक्ता नज़र से पढ़ाया जाता है, ना कि अकाइद के जरिए से। तो मैं उस बात को ज़्यादा डील करता हूँ, लेकिन इन माई कंक्लूजन मैं सब भाइयों से या जो अजीज छोटे हैं काम करते हैं या काम की तलाश में हैं या स्कूलों या कॉलेजों में पढ़ते हैं आज़ाद कश्मीर में, उनसे यही कहूँगा कि आपके लिए नौकरी करना ज़रूरी भी है, और दोनों लिहाज से, एक ये कि नौकरी आपको ज़रूरत है, दूसरा यह है कि आपको स्किल्स आएंगी, तीसरा यह है कि आप लोगों की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकते हैं अगर आप में वो जज्बा है। तो आई लिव इट दैट, तो मेरे ख्याल में आपको मैसेज मिल गया होगा, एंड सेम गोज इन ऑल पार्ट्स ऑफ डिवाइडेड जम्मू कश्मीर। आई लिव इट दैट, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।